नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव लाएंगे गैर सरकारी संकल्प। चुनाव के लिए स्टेट फंडिंग की भी करेंगे मांग। भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। फरार आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित विधेयक पर लोकसभा में चर्चा आज। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पारित करने का प्रस्ताव। राज्यसभा में रखी जाएगी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट। केंद्रीय रेशम बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी होगा पेश। और लोकसभा के 3 नव निर्वाचित सांसदों का शपथ आज। अररिया से निर्वाचित सरफराज आलम, फूलपुर से नागेंद्र पटेल और गोरखपुर से प्रवीण कुमार निषाद को लोकसभा अध्यक्ष दिलाएंगी शपथ। संसद में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। दोनों सदनों में आज गैर सरकारी सदस्य जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर संकल्प लाएंगे। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्य संकल्प पेश करेंगे। कांग्रेस सांसद टी सुब्बारामी रेड्डी बीओटी और ईपीसी के तहत सड़क परियोजनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में आने वाले सभी अवरोधों को खत्म करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे। बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए 3 साल में समयबद्ध कार्ययोजना के जरिए प्रभावी उपाय किए जाने का सरकार से आग्रह करेंगे। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव चुनाव संबंधित कानूनों में संशोधन करने का सरकार से आग्रह करेंगे ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकें। वो चुनावी खर्च की सीमा तय करने और चुनाव प्रक्रिया में समय की बर्बादी रोकने के लिए चुनाव सुधार करने का आग्रह भी करेंगे। साथ ही चुनावों के लिए स्टेट फंडिंग की भी मांग करेंगे। और इसके अलावा सांसद विवेक गुप्ता, जयराम रमेश, रिपुन बोरा और त्रुचि शिवा भी संकल्प लाएंगे। साथ ही लोकसभा में भी गैर सरकारी सदस्य जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर संकल्प लाएंगे। लोकसभा में आज भी बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा होनी है। 6 मार्च से लोकसभा के एजेंडे में ये शामिल है, लेकिन यहां भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई। सदन में चर्चा की शुरुआत रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सांसद एनके प्रेमचंद्रन करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत विभिन्न दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। सांसद चर्चा के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कमियों और इससे जुड़ी कथित अनियमितताओं के बारे में अपने विचार रखेंगे। साथ ही वो इन अनियमितताओं से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का मुद्दा भी चर्चा के दौरान उठाएंगे। और हमारे साथ संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह संसद भवन परिसर से सीधे जुड़े हैं। अरविंद जी, आज शुक्रवार है, गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है, लेकिन जिस तरह से पिछले 9 दिनों से सदन की कार्रवाई में बाधा आ रही है, आज 10वें दिन हम कामकाज की क्या उम्मीद करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए अमृता, जहां तक सवाल है कामकाज का, तो लगातार ही प्रयास रहा है कि जो है कामकाज हो, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, अवरोध हैं, और उसमें भी खासतौर पर जो कांग्रेस के सदस्य हैं और वो बैंकिंग सेक्टर को के मसलों को लेकर के, और साथ ही साथ जो है आंध्र प्रदेश को लेकर के जो सांसद हैं आंध्र प्रदेश के, वो लगातार उनकी ओर से ये अवरोध होते रहे हैं। और उम्मीद यह है कि संभवतः कामकाज आज हो। हालांकि आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे विधेयक हैं, महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो कि लिस्टेड हैं। तो लेकिन ये इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा अमृता, जब निजी सदस्यों के विधेयक का मामला है, ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आम जनता के बीच में किस तरह की जो है मुद्दे हैं, सवालात हैं, ये इन विधेयकों के जरिए जो है सामने आते हैं और सरकार को भी बहुत सारे मसलों पर सोचने के लिए विवश करते हैं। और मैं बताऊं आपको कि करीब मैंने 1 दर्जन से अधिक, 14 से अधिक ऐसे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक हैं जो कि बाद में कानून का दर्जा ले चुके हैं, कानून बन चुका है उन पर। और आज भी जैसे आपने कहा कि भूपेंद्र यादव ने चुनाव सुधारों को लेकर, मुझे याद आता है कि 2013-14 में
भूपेंद्र यादव ने ही एक बहुत ही बढ़िया चुनाव सुधारों को लेकर संकल्प लिया था, जिसमें सरकार को ये कहना पड़ा था कि चुनाव सुधार जो है वो कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, मंत्री ने कहा। तो अभी भी इस बार जो है इस तरह के बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं जो महत्वपूर्ण हैं और तमाम ऐसे नीतिगत और ज्वलंत मसलों को लेकर के हैं, तो ये विधेयक निजी सदस्यों के जो विधेयक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जी अमृता जी, साथ ही अरविंद जी, जैसा कि वाईएसआर कांग्रेस जो है वो आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अड़ी हुई है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, इसे लेकर क्या जानकारी? नहीं, देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, ये कल से ही चल रहा है जो है। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव की जो उन्होंने बात कही है उसको समर्थन किया है तेलुगु देशम पार्टी ने, और ये कुल मिलाकर के जो मुद्दा जो जिसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के हितों को लेकर के, आंध्र प्रदेश के साथ हुए अन्याय के मसले को लेकर के। लेकिन इसमें जो है इसके लिए जो लोकसभा की नियमावली और प्रक्रिया जो है जो बनी हुई है अमृता, उसमें यह है कि 50 सदस्यों का साइन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ एक और है कि वो जब स्पीकर जो है अगर मान लीजिए इसको स्वीकार करती है तो 50 सदस्यों को खड़ा भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे इससे जुड़े हुए बात सारी जरूर है कि राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा गर्मा गया है, लेकिन जो नियम और प्रक्रियाएं इससे जुड़ी हुई हैं वो बनी हुई हैं, वो उसको लेकर के अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं और अंतोगत्वा ये तो स्पीकर को तय करना है। और लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ कि पिछले दिनों की जो बात है, दो ऐसे मौके आए हैं जबकि ऐसा ये जानते हुए ऐसे अविश्वास प्रस्ताव आए हैं कि ये सरकार गिर नहीं सकती जी। अभी भी वही स्थिति है कि ये सरकार के पास जो है बहुमत है, उसके सहयोगी दलों के साथ काफ़ी बहुमत है, सरकार के गिरने की कोई स्थिति नहीं है। उस पहले जो आए हैं उस समय ये जानते हुए आए थे कि सरकार जो है बची रहेगी, लेकिन इसके बहाने विपक्ष सरकार की बहुत सारी विफलताओं की चर्चा करेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही सिंगल इशू है अगर आंध्र प्रदेश का, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में सिवा राजनीतिक टूल देने के कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मैं बताऊं कि बहुत कुछ हो सकेगा इसमें जो है। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए हमसे। केंद्र सरकार आर्थिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। आर्थिक अपराध करने के बाद देश छोड़ने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी, साथ ही उनकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान हैं। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता। इसे नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू किया जाएगा। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा। बिल में आर्थिक अपराधों की सूची होगी। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। और लोकसभा में आज दो विधेयक पेश किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पेश करेंगी। बिल में मानव तस्करी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं, साथ ही पीड़ितों को बचाना और उनकी पुनर्वास भी शामिल है। ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट के गठन का भी प्रावधान है। विधेयक का मकसद मानव तस्करी पर रोक लगाना है। और वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 पेश करेंगे। बिल में अविनियमित जमा स्कीमों पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई जमाकर्ताओं की राशि नहीं लौटाता है तो उसके लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। जमाकर्ताओं की राशि लौटाने की व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर एक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान भी है। और राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। केजे अल्फोंस इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
राजेंद्र गोहेन रेल कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। वहीं परषोत्तम रूपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख एल मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगी। सीआर चौधरी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और इसके अलावा आज राज्यसभा में सांसद वांसुक साइम और वीर सिंह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल 19 मार्च से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य देंगे। और लोकसभा में आज नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। जिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें बिहार के अररिया लोकसभा सीट से निर्वाचित सरफराज आलम, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से निर्वाचित सांसद नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल और गोरखपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद प्रवीण कुमार निषाद शामिल हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट।